राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समीक्षा की है। कोरोना को लेकर कांग्रेस की ओर से सभी राज्यों में जरूरतमंदों के लिए उठाए गए कदम की समीक्षा की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी प्रदेशों के पीसीसी चीफ ने जानकारी दी। मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा है कि प्रदेश में 36 संगठन और 301 ब्लॉक अध्यक्षों के नेतृत्व में सेवा दल महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई के जिला अध्यक्षों को शामिल कर समिति का गठन किया गया और इन समितियों के माध्यम से आम जनता और दिहाड़ी मजदूर और जरूरतमंदों को सहायता पहुंचाई जा रही है। देश की लगभग 2 करोड़ जनता को राहत पहुंचाने में सफलता हासिल हुई है और दूसरे राज्यों के लगभग 8,740 दिहाड़ी मजदूरों को और छत्तीसगढ़ के लगभग 21,000 दिहाड़ी मजदूर अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, उनके लिए भी मदद उपलब्ध कराई गई। सरकार के साथ तालमेल के साथ हम लोग लगातार खाना पहुंचा रहे। लगभग 10 लाख लोगों को हमने खाना पहुंचा रहे रोज, और जिनके पास जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, और रोज दिहाड़ी मजदूर है जिनके पास चावल नहीं है। हम संगठन के माध्यम से भी लगभग विधायक और हमारे संगठन के पदाधिकारी लगभग 16 करोड़ रुपया राहत के उसमें जमा किए। अलग से भी हम लोग संगठन के माध्यम से हम लोग पहुंचा रहे हैं। पौरी में कोरोना फाइटरों ने शहर